एक सीरीज चालू करने वाले हैं गणपति का ही, 10 दिन का ही कोई एक सीरीज रहेगा। क्या रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। क्या रहेगा आपको आज ही बताएंगे, क्योंकि ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सबसे पहली बात तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और नॉन सब्सक्राइबर्स को सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणपति का फर्स्ट डे, तो अभी बज रहा है टाइम 12 एंड मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। सवेरे काम था, सवेरे काम हम निपटाया, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सवेरे से मेरे फोन में चार्जिंग ही नहीं है यार। मतलब रात को लेट लेट नाइट सो रहे, चार साढ़े चार बजे तक सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फोन वोन चार्जिंग पे लगाने का ध्यान ही नहीं था। उस टाइम पे ऐसा रहता कि खाली सो जाऊँ। अभी सवेरे उठ के चार्ज किया, अभी भी चार्ज पे था, 70-70% चार्ज हुआ है खाली अभी। तो गाइस अभी निकलना है, मंडप में पूजा है, 12:15 की पूजा है, तो अभी निकलना है। अभी निकलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे आज क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नहीं, गणपति का फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं एंड दर्शन वगैरह करते हैं गणपति के, देन उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। चलो ओके सो गाइस, जस्ट निकले हैं, मतलब अभी जो पंडित जी आए हैं वो अभी आए हैं 12:30 बजे। थोड़ा सा लेट टाइम बोला था 12 का, बट 12:30 बजे हैं, तो अभी निकले। हल्की फुल्की अभी बारिश हो रही थी, छाता लेके निकला तो बारिश बंद हो गई, सिस्टम है। चलो आपको अभी दर्शन कराते हैं, चलो। ओके सो गाइस, पूजा पाठ वगैरह जो है सब कुछ खत्म हो गया एंड फाइनली गनु पापा हमारे साथ हैं। हमारे साथ 10 दिन है गनु पापा, तो फुल ऑन सेवा करेंगे, फुल ऑन एंजॉय करेंगे एंड पूरा वाइब लेंगे, पॉजिटिव वाइब, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम रहेंगे पूरा दिन, हम तो पूरा दिन रहते सेवा में। क्यूट लग रहे हैं भाई, गॉड की कसम कितने प्यारे। और छोटे वाले गणपति का तो आईज आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। सी माय गॉड, कितना एकदम रियल, मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम बहुत खतरनाक मस्त लग रहा है। बाकी ये है, अभी लाइटनिंग वगैरह लगी नहीं, लाइटनिंग वगैरह लगेगी शाम को, लगेगी अभी नहीं लगी है, मतलब ऐसा बोल रहे शाम को लगेगी। जो लाइटनिंग लगाने वाला ना, जो लाइटनिंग वगैरह है वो पता नहीं, बोल रहे हैं कहीं पर एडमिट है फोर्टिस हॉस्पिटल में, उसके लिए वाली लाइटनिंग वगैरह नहीं लगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा लाइटनिंग वगैरह लगता है। तो वही चीज़ है गाइज, तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है, शाम को फिर से आएंगे एक बार राउंड लगाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं घर पे एंड कुछ खाते पीते, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, तो चलते हैं घर पे जाके कुछ खाते पीते, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलो ओके सो गाइस, अभी घर आए हैं एंड अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में क्या है एकदम से बोला खाने में धम, उसने मुझे टोप जैसा रखा, ढक ऐसा जोर से ढक्कन से ढक दिया, धम इतना जोर से। क्या खा रहे, एकदम से अंदर गया ना कि क्या बनाए करके, ऐसा टोप रखा फट, अरे ढक्कन इतना जोर से मारा, आवाज आ रहेगा आपको धड़ाम। पता जा रहा, मेरे ऑडियंस जानना चाहती है, जनता वॉन्ट्स टू नो वॉट्स टू ईट, वॉन्ट्स वॉट्स टू ईट। और गाइस मोदक देखो कितने प्यारे मोदक हैं, ये हमारे शॉप के हैं, ये है चॉकलेट वाला, ये है लीची और ये है पेरू। हाँ, चॉकलेट लीची और पेरू, ये हमारे शॉप के बने हुए हैं। तो गाइस अभी फटाफट से पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। एसी चालू है, नींद वैसी पूरी नहीं हुई है, तो नींद आ रही है, तो सोच रहा हूँ सो जाऊँ। एडिटिंग वगैरह तो हो ही गया, एडिटिंग वगैरह कर रखा है मैंने, खाली अपलोडिंग करनी है वीडियो, तो अपलोडिंग कर दूंगा सुबह शाम को उठ के आराम से कर दूंगा अपलोड। पहले आराम से खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम सोता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, अभी खाना ख़त्म करते करते 1:30 बजेगा, 2:30 बजेगा, ढाई बजेगा, देन उसके बाद सोएंगे, 2:30 बजे सोएंगे, 4:30 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मंडप का ग्राउंड मारेंगे। मंडप का ग्राउंड गाइस अभी लगते रहेगा आपको, मंडप के दर्शन होते रहेंगे, ब्लॉग होते रहेगा,
एंड गाइज एक और चीज आपको शेयर करनी है, एक कैंपेन चालू करने वाले हम। किस चीज का कैंपेन? गणेश चतुर्थी का एक कैंपेन चालू करने वाले, उसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल भूख लग रही, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या कैंपेन चालू करने वाले। कैंपेन मतलब एक सीरीज चालू करने वाले हैं, गणपति का ही 10 दिन का कोई एक सीरीज रहेगा। क्या रहेगा? बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। क्या रहेगा आपको आज ही बताएंगे, क्योंकि आज गणपति का फर्स्ट डे है तो आज ही बताएंगे। तो क्या है वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम वेट करो। अभी फिलहाल पहले जाता हूँ मैं, खाना खाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलो ओके। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, करने के लिए कैमरा लिया, क्योंकि कैमरा गाइस कब से काफी टाइम से चार्जिंग पे लगा हुआ था। इसमें बहुत इशू है यार, मतलब शूट करो कैमरा पूरा चार्ज, मतलब फोन पूरा चार्ज करो, देन उसके बाद शूट करो, चार्जिंग कम होता है, फिर चार्जिंग पे लगाओ, फिर पूरा धीरे 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 करके चार्ज होता है। एंड चार्जिंग भी आजकल पता नहीं क्या है कि धीरे होता है, बहुत धीरे होता है चार्जिंग, एंड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज चार्जिंग होता है, पता नहीं एकदम धीरे धीरे आराम से चार्जिंग होता है। 2-3 घंटा चार्जिंग पे लगाते रहो तब जाके फुल परसेंट चार्ज होगा। अभी भी फुल चार्ज नहीं हुआ, 85-86% चार्जिंग है खाली मेरे फोन में, तब से लगाया हुआ मैंने, कैसे मैंने 6 या 5:30 बजे से लगाया हुआ चार्जिंग, अभी जाके 80% या समथिंग 20% पे लगाया था, 80% को चार्जिंग है, तो बहुत इशू है। तो खैर इसको छोड़ो, ये तो अभी इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं जो बोल रहा था कि एक सीरीज चालू करेंगे, क्या सीरीज चालू करेंगे वो बताता हूँ आपको। तो गाइस जैसे आपने देखा रहेगा कि लाल बाग का बहुत जन दिखाते, लाल बाग, गणेश गली, चिंतामणि, GSB का, बहुत यार मतलब बड़े बड़े गणपति, जो मतलब इतने बड़े बड़े गणपति जो बड़े बड़े मंडल है उसके तो वीडियो सबको ही बताता है, हर कोई बताता है कि ये बड़े गणपति का हमने देखा, दूसरे बड़े गणपति का हमने देखा। तो गाइस हम एक नया सन्नी राणा ब्लॉग, एक ऐसा नया सीरीज चालू कर रहा है जो छोटे छोटे गणपति का डेकोरेशन बताएगा, जो फेमस नहीं है बट उनके डेकोरेशन बहुत आला होते हैं, बहुत बढ़िया डेकोरेशन होते हैं, मूर्तियां बहुत खूबसूरत होती है, वो सन्नी राणा बताएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं सब जगह का बताऊं, मतलब सब जगह का मतलब जहां जहां बहुत बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन होता है वहां वहां का बताऊं, अगर हो पाया तो, अगर नहीं हो पाया तो अपने मुलुंड का, भांडुप का, नाहूर का, नजदीक में थाना का है, घाटकोपर का, कुरला का, जहाँ नजदीक में हो वहाँ का बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा सब जगह का बता पाऊँ, कोशिश करूंगा मैं ये, बाकी जो शूट होगा वो आप लोग देख लेना। तो ये एक नया कैंपेन, एक नया सीरीज हम चालू कर रहे हैं, बड़ा बड़ा गणपति नहीं बताएंगे, छोटे छोटे मंडल जिनकी डेकोरेशन, जिनकी मूर्तियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है वो आपको बताएंगे। बड़े बड़े गणपति तो हर कोई बताते हैं यार, हरे बड़े बड़े यूट्यूबर, छोटा छोटा यूट्यूबर हर कोई बताता है, यूट्यूबर भी ना हो तो भी वो अपने फोटो खींच के स्टेटस पर डाल देता है, आज हम लाल बाग जाके आए, आज हम चिंतामणि जाके आए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे मंडल जो गणपति बहुत खूबसूरत है, जो डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है, जिनका वाइब बहुत खूबसूरत है, तो वो सारे आपको दिखाएंगे। तो आज से ही चालू करते हैं वो कैंपेन और वो सीरीज आज से ही चालू करते हैं। तो आज है डे वन गाइस। तो गाइस इस सीरीज को हम नाम देंगे हिडन जेम्स, काफी यूनिक सा नाम है हिडन जेम्स। मैं इसको नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे मंडल जो मूर्तियां बहुत खूबसूरत लाती है, जिनका डेकोरेशन A1 होता है, जिनका आगमन, जिनका विसर्जन एक नंबर होता है, उनको हम ढूंढेंगे एंड उनको हम शूट करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज का नाम हिडन जेम्स क्यों रखा है। गाइस आज से चालू करते हैं ये कैंपेन, ये सीरीज आज से चालू करते हैं, आज देखते हैं हम कहाँ का देख पाते हैं। हम निकलेंगे ऐसे नॉर्मल सड़कों पे निकलेंगे, फिर जाके शूट करेंगे, कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहेगा कि अरे कहाँ जाना है, क्या है क्या नहीं, तो जहाँ का भी बहुत ज्यादा हल्ला लगा आपको दिखाएंगे। एंड अभी लगाते हैं वीडियो अपलोडिंग पे, वीडियो अपलोडिंग करके उसके बाद मिलते हैं आपसे, चालू करते हैं हिडन जेम्स एपिसोड 1। तो चलो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। आई एम रियली वेरी सॉरी, कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि कल मेरे को सोते सोते तकरीबन 4-4:30 के आसपास कहीं हो गया था, तो मैं इतना थक गया था। एंड अगेन वही चीज़ कि फ़ोन के चार्जिंग का इशू। तो जो भी आईफोन यूज़र है, जो भी आईफोन यूज़ करता है, जिनका मतलब छोटा है, प्रो वर्जन नहीं बता रहा, जिसका छोटा है, उसको एक सर्टन लिमिट के बाद उसको प्रॉब्लम आती ही है आईफोन में, मतलब कभी साउंड का इशू। अभी एक और इशू है मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये देख रहे हो ना, ये साइड में जो स्पीकर है ना, ये साइड का स्पीकर मेरा काम ही नहीं करता है, मतलब जरा भी नहीं चलता है, 0-0 एकदम निल, मतलब गया है पूरा, ये साइड का पूरा स्पीकर गया है। वो तो नसीब इतनी अच्छी है कि इस साइड में भी हमारे आईफोन में एक स्पीकर होता है, तो उसके वजह से सुनाई देता है मैं वो कुछ ना कुछ चीज़। तो एक सर्टन लिमिट के बाद आईफोन में आती हैं दिक्कतें आती है, अभी क्या सीन है क्या पता, चार्जिंग का इशू, चार्जिंग लेट होता है, जल्दी जल्दी गिरने लगता है, मतलब वो तो पता ही ना चार्जिंग का बैकअप कैसा रहता है आईफोन का। फिर उसके बाद थक भी गए थे, इतना नींद भी आ रहा था, तो उसके वजह से मैं बोला कि कल एंड कर लूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने लिमिट्स एक लिमिट तक ही पुश कर सकता हूँ। तो भाई मतलब रेस्ट चाहिए ना, तो फिर भाई अगर मालूम पड़ा कि इतना पुश कर दिया कि अगले दिन उठने की हिम्मत ना हो। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं गाइस, कल के ब्लॉग में देखना, कल के ब्लॉग से आपको जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में एक सीरीज चालू कर रहे हैं हम, तो कल से सीरीज का पहला एपिसोड होगा, तो आपको बताएंगे क्या है और क्या नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। अभी तो